प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश में एमपी टास्क पोर्टल जो है इसके छात्रवृत्ति स्वीकृत करने जा रहा हूं मैं, और वेरीफाई करने की प्रोसेस बताऊंगा इसमें मैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसमें जो समस्या आपको आ रही है वो कमेंट मुझे जरूर करें ताकि मुझे पता चले और उसके ऊपर मैं आवश्यक वीडियो बना सकूं। तो हम इसके लिए एमपी टास्क पोर्टल पर लॉगिन होते हैं, और लॉगिन होने से पहले हम ये देखें, चलो हम पहले लॉगिन हो जाते हैं, कैप्चा फिल कर रहे हैं, यूजर आईडी जो हमको दिया है वो, पासवर्ड दिया है वो, और इंस्टीट्यूट को जो जिले से यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, और फिर उसके बाद लॉगिन करा कैप्चा कोड डालकर। यहां पर आ गया हमारा, यहां पर हमको जाना है वेरिफिकेशन में 9th, 10th, 11th, 12th, 9, 10, 11, 12 की अभी हमको करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन पर हमने क्लिक किया, इसके बाद में एकेडमिक बैच, ये 2022-23 आ रही है अभी, सिलेक्ट क्लास, अभी मैं 10वीं की छात्रवृत्ति से स्वीकृत करूंगा, वेरीफाई क्लास 10th डाल दी, एप्लीकेशन स्टेटस वैसे रहेगा, स्कूल का नाम गर्ल्स एचएसएस अंजड़ है, जीएचएसएस गर्ल्स अंजड़, और कास्ट जो है दोनों कास्ट है तो हम अभी दोनों ले लेते हैं, ऑल कर देते हैं और इसको सर्च कर देते हैं। सर्च में प्री एंड पोस्ट मैट्रिक डिटेल्स है, पर चूंकि 10th सिलेक्ट किया है इसलिए प्री मैट्रिक आएगा, और यहां पर जो संख्या है टोटल है 80, और इसमें 10 दिखा रहा है तो इसको अपन बढ़ा लेते हैं 100 तक कर लेते हैं, तो इसमें पूरी 100 की सूची, मतलब 80 की सूची आ जाएगी हमारी, ये पूरी आ गई सूची। Showing 1 to 80 of 80 entries, मतलब पूरी 80 आ गई है। अब इसमें हम वेरीफाई कैसे करेंगे, लास्ट में वेरीफाई का ऑप्शन दिया है, मेरे पास यहां पर सूची बनी हुई है, ये पेन ड्राइव मैंने रखी है 2022-23 की एमपी टास्क स्कॉलरशिप, एमपी टास्क में 10th की कर रहे हैं हम। ये 10th के जो बच्चों के पहले आए थे इनके जो यूजर आईडी और ये नंबर आए थे और क्या अमाउंट आया था ये सब मैंने नोट कर लिया, जिन जिन ने भी अप्लाई किया था, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है था उनके नहीं लिखे हैं, ये जनरेटेड है पर उन्होंने बच्चों ने बताया नहीं है, ये नॉट अप्लाइड है, मतलब उन्होंने प्रोफाइल पंजीयन कर दिया है पर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, और यहां पर उन्होंने कर दिया और अप्लाई कर दिया पर ये अपनों को नंबर नहीं मिले, तो वो खोज लेंगे, जो नंबर अपनों को मिले हैं वो देख लेते हैं अपन यहां। तो यहां पर जैसे मेरे को करना है, अब यहां पे दो चीजें हैं, इसमें कोई भी हॉस्टल की बच्ची नहीं है, पर यहां जैसे ये 10th B, चार सेक्शन है, 10th है, 10th B, 10th C और 10th D, तो 10th B में जैसे हॉस्टल की बच्ची है, ये हॉस्टल की बच्ची है, तो अभी हम इसको देखें हॉस्टल की और नॉन हॉस्टल की है। उसके पहले हम जाते हैं कि इनको छात्रवृत्ति कितनी कितनी है, तो इसमें हमने सब कर रखा है, ये 16-17 की छात्रवृत्ति, ये सब समी की छात्रवृत्ति है, 2022-23 से एमपी टास आई थी, तो उसी विवरणिका में 22-23 की विवरणिका में लास्ट के 3 पेज जो है वो एमपी टास की स्कॉलरशिप है। इसमें पहले देखें कि उसको छात्रवृत्ति की पात्रता कितनी है, तो देखो यहां पर है ये 9 से 10 है प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति, तो 9 से 10 को है गैर छात्रवासी को 3500 है 9 से 10 में प्री मैट्रिक में, और मतलब ये है प्री मैट्रिक एससी, ये प्री मैट्रिक एससी 9-10 को है 3500 गैर छात्रवासी, बालिका की बात कर रहा हूं मैं, बालक बालिका हालांकि दोनों समान है, ये बालक और बालिका दोनों समान है।
अब उसकी ये 2.2 की है स्कीम, इसके बाद चाहते हैं हम 3.2 केंद्र प्रवर्ती प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति, ये 9 से 10, तो इसको गैर छात्रवासी को है 3,000। मतलब 9वीं 10वीं अपन 10वीं की कर रहे हैं अभी वेरीफाई, तो ये एसटी की है 3,000 और एससी के है 3,500। ये है 3,500 एससी की और एसटी के 3,000। तो इसके हिसाब से हम देखें, तो यहां पर हम देखें कि ये जो मैंने पोर्टल से लिस्ट निकाली है, और यहां पर 10th A, ये 10th A की मैं सिलेक्ट कर रहा हूं शेड्यूल ट्राइब, इसको मैं कर लेता हूं शेड्यूल कास्ट। पहले हम एससी की कर लेते हैं, तो देखो ये 10th A में एससी की सभी की 3,500 आ रही है। तो यहां पर ये एप्लीकेशन नंबर है और ये प्रोफाइल आईडी, तो प्रोफाइल आईडी पे मैं क्लिक करता हूं और इसको कॉपी कर लिया मैंने, और यहां पर मैं कंट्रोल F करके पेस्ट कर देता हूं। तो ये एक एंट्री आ गई है, देखो ये लिखा है तमन्ना, और यहां पर एक बार चेक कर लेते हम, ये नाम है तमन्ना और इसको छात्रवृत्ति मिली है 3,500। ये 10वीं की एससी की बच्ची है, 3,500 हमने विवरणिका में भी देखा था, और यहां पर आया है तमन्ना और 3,500। यहां हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करने पर यहां पर उसका पूरा डाटा आ जाता है। तो यहां पर हमने जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक किया, एक बार फिर से देख लें, ये तमन्ना नाम की लड़की है, इसको हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई लिंक पर क्लिक किया, तो यहाँ पर सब पूरी सी जानकारी आ जाती है। और यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट पहले देखना है कि सही है कि नहीं, उसी नाम का है, और उसके बाद में क्लिक टू व्यू यहाँ एनुअल फैमिली इनकम, तो ये 2021 मतलब 22-23 में छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये देख लिया। और छात्रवृत्ति की राशि हमने देख ली थी, छात्रवृत्ति की राशि मिली थी 3,500 10th SC को। तो यहां से हम करेंगे वेरीफाइड, तो वेरीफाइड करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। यू आर अबाउट टू वेरीफाई दिस एप्लीकेशन, डू यू वांट टू प्रोसीड, ओके, तो यहां से ये हट गया। अब इसको मैं दोबारा कॉपी करके कट करके पेस्ट करता हूं, तो देखो ये बच्ची इसमें मिलती है कि नहीं, ये यहां पर 0/0 मतलब नहीं है, ये वेरीफाई हो गई है। अब इसी को मैं कॉपी किया हुआ है मैंने, एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूं, और इसको मैं जाता हूं अप्रूवल में, और यहां चेक करता हूं कि वो बच्ची है कि नहीं। मैं अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता और डायरेक्ट सर्च कर देता हूं, और यहां पर कंट्रोल F और V करा, तो चूंकि एंट्री कम है, ये टोटल 218 की मैं 78 की वेरीफाई कर चुका हूं, तो यहां पर मैं सीधा करूंगा 100 पे, तो 100 पे देखते हैं आ रहे कि नहीं। या भाई ये तमन्ना के 10th की 3,500, ये इसकी मतलब हमने वेरीफाई कर दी और अप्रूवल में आ गई है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जैसे ये अप्रूवल का मैं करूंगा, इसका वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो यहाँ पर कुछ की छात्रवृत्ति जैसे कम आ रही है, वो क्यों आ रही है वो हम बाद में देखेंगे। और यदि आपको कुछ अगर लगता है कि जैसे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर मैं ये इसको एसटी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ की छात्रवृत्ति 1300 आ रही है, ये 1300, बाकी सबकी 3000 आ रही है, तो ये 1300 क्यों आ रही है, यदि आपको इसकी जानकारी हो तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।